सादगी से मनाया गया बद्रीनाथ में नाग पंचमी का पर्व। श्री बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर आगे माता मूर्ति मार्ग में एक ऐसा अति प्राचीन मंदिर है जिसमें एक ही पत्थर में नाग और नागिन अवतरित हुए हैं, अर्थात एक ही शिला में नाग और नागिन के प्रतिबिंब हैं। मान्यता है कि हजारों सालों से यहाँ पर नाग और नागिन भगवान बद्रीनाथ का कठोर तप में लगे हुए हैं। वह बद्रीनाथ आने वाले यात्री यदि श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद नागिन मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन करते हैं तो उन्हें हर प्रकार के सर्प और अन्य दोषों से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी का पर्व कोरोना संक्रमण के कारण बद्रीनाथ धाम में बड़े ही सादगी से मनाया गया। प्रातः बद्रीनाथ जी की वैदिक नित्य पूजाएं संपन्न करने के बाद मंदिर के धर्माधिकारी व अन्य पुजारी नाग नागिन मंदिर में पहुंचे और वहां पर दूध और दही से नाग नागिन का अभिषेक किया। नाग पंचमी को नाग जन्मोत्सव के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज नाग पंचमी और आपको बताएं कि नागों की पूजा इस देश का एक बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है, पक्षियों की पूजा होती है, नागों की पूजा होती है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालीयम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले पठे तथा तस्य विषभयं नास्ति सर्वथा विजयी भवेत्। इन 9 नागों का जो नित्य स्मरण करे उसे नाग दंश का भय नहीं होता है और विजय प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और हमारे यहाँ तो नाग देवता के मंदिर विशेष रूप से आज प्रातः भगवान बद्रीनाथ जी के इस धाम में नाग नागिन के एक मंदिर में दर्शन करने गए। देखिए, नाग और नागिन जोड़े के छत तपस्या करते हुए और इस शिलाखंड पर हमने देखे दर्शन किए, बहुत प्राचीन से यहाँ पे हैं। आज विशेष पूजा इनकी हो रही है। वस्तु पूजा तो नित्य होती है लेकिन आज नाग पंचमी नागों का उत्पन्न होने का दिन है और हमने इनकी पूजा की, मन प्रसन्न हुआ। आप सबको नाग पंचमी की बधाई बद्रिकाश्रम से।